Hello everyone, in this video we will learn about Zenker's diverticulum. Zenker's diverticulum का दूसरा नाम pharyngeal pouch and hypopharyngeal diverticulum भी है, ठीक है? pharyngeal pouch, hypopharyngeal diverticulum और Zenker's diverticulum, ये तीनों एक ही condition है, ठीक है? अब देखते हैं हम इसमें क्या होता है. तो in this condition pharyngeal mucosa herniates through Killian's dehiscence. इसमें क्या होता है, फेरेंजियल म्यूकोजा हर्निएट्स मतलब बाहर आ जाता है किलियंस डेहिसंस में से. तो अब हमें ये जानना पड़ेगा कि ये किलियंस डेहिसंस क्या है, ठीक है? तो किलियंस डेहिसंस क्या है कि इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल के जो दो पार्ट है उसके बीच वाला वीक एरिया है. फेरेंजियल म्यूकोजा हर्निएट हो जाता है किलियंस डेहिसंस में. किलियंस डेहिसंस के लिए हमने ये जाना, तो अब ये इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल्स के जो दो पार्ट है वो कौन से है, तो कि इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल के पार्ट है थायरोफेरेंजियस एंड क्रिकोफेरेंजियस. देखिए यहाँ पे ये जो इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल के दो पार्ट है थायरोफेरेंजियस, ये पूरा वाला थायरोफेरेंजियस, उसके बाद में ये वाला है वो क्रिकोफेरेंजियस, इसके बीच वाला ये जो एरिया है, ये एरिया वो क्या है, वो है किलियंस डेहिसंस. यहाँ में से, इस एरिया में से फेरेंजियल म्यूकोजा बाहर आ जाता है. देखिए इस एरिया में से ये जो फेरेंजियल म्यूकोजा है वो बाहर आ गया है. इसी को ही बोलते हैं हम Zenker's diverticulum, फेरेंजियल पाउच और हाइपोफेरेंजियल डाइवर्टिकुलम, ठीक है? ये दोनों डायग्राम हमारे बुक में से ही है. अगर थियोरी में आपको पूछे तो आपको ये डायग्राम बनानी है, ठीक है? ये फॉल्स डाइवर्टिकुलम है. क्यों? क्योंकि इसमें म्यूकोजा का आउट पाउचिंग होता है, म्यूकोजा बाहर निकलता है, मसल लेयर इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है? मसल लेयर इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सिर्फ म्यूकोजा ही इन्वॉल्व है, इसलिए ये फॉल्स डाइवर्टिकुलम है, ट्रू डाइवर्टिकुलम नहीं है. अब हम इसकी इटियोलॉजी देखते हैं. इटियोलॉजी में क्या है कि क्रिकोफेरेंजियल स्फिंक्टर का स्पाज्म की वजह से भी हो सकता है, और डिग्लूटिशन के टाइम पे इसका अनकोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन हो तो भी ये हो सकता है. मोस्ट कॉमनली 60 ईयर के बाद देखने को मिलता है. क्या? क्रिकोफेरेंजियल स्फिंक्टर का स्पाज्म और डिग्लूटिशन के टाइम पे उसका अनकोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है? अब पैथोलॉजी में क्या है, तो कि ये जो हर्निएशन है ना म्यूकोसा का, वो हर्निएशन मिड लाइन में स्टार्ट होता है, ठीक है? मिड लाइन में स्टार्ट ये है पूरा, तो मिड लाइन में स्टार्ट होगा हर्निएशन, एंड उसके बाद लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो मिड लाइन में स्टार्ट होगा, उसके बाद वो लेफ्ट साइड में मूव हो जाएगा. फिर क्या है कि ये जो हर्निएट हुआ ना फेरेंजियल म्यूकोजा, उसका जो वो जो पाउच होगा ना, उसका ओपनिंग इसोफेगस के ओपनिंग से वाइड होगा, तो फूड यहाँ से ऊपर से आएगा, तो फूड इसोफेगस में जाने की बजाय इसमें चला जाएगा, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं कि इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे. तो इसमें मेन फीचर क्या होगा, प्रोमिनेंट फीचर क्या होगा, कि डिसफेजिया. डिसफेजिया अपीयर कब होगा, तो कि जब पाउच है ना, वो जो पाउच बना होगा म्यूकोजा की हर्निएशन की वजह से, वो पाउच फूड से भर जाएगा. मैंने आपको पहले ही बताया कि वो जो पाउच का ओपनिंग होगा ना, वो वाइड होगा इसोफेगस की कंपैरिजन में, तो फूड सब उसमें चला जाएगा. अब आप समझिए, यहाँ पे एज एग्जाम्पल, यहाँ पे इसोफेगस है, एंड यहाँ पे ये पाउच का, ये पाउच है इस तरह से, तो फूड सब यहाँ पे चला गया, ये फूड से भर गया पूरा. अब ये फिल होता जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, फिर यहाँ पे जो इसोफेगस होगी ना, उसमें ये कंप्रेशन करेगा, ठीक है? भर जाएगा तो इसोफेगस को ऊपर फोर्स लगाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, डिसफेजिया होगा, ठीक है? डिसफेजिया अपीयर्स व्हेन पाउच गेट्स फिल्ड विथ फूड एंड देन इट प्रेस इसोफेगस. उसके बाद है एक बॉयस साइन. बॉयस साइन क्या है पता है आपको, तो कि अगर हम पालपेट करेंगे ना वहाँ पे, तो हमें गार्गलिंग साउंड देखने को मिलेगा. तो गार्गलिंग साउंड ऑन पालपेशन, इट इज़ अ बॉयस साइन. उसके बाद ये वही बता रहे हैं कि स्वॉलोइंग के टाइम पे भी गार्गलिंग साउंड देखने को मिलेगा. फिर ये जो फूड है वो इसोफेगस से स्टमक में तो गया नहीं है, फिर यहाँ पे ही भरा पड़ा होगा, तो क्या होगा, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना, वो नाइट के टाइम पे वापस यहाँ पे आएगा,
रिगर्जिटेड होगा। अनडाइजेस्टेड फूड में रिगर्जिटेड एट नाइट, देन वो फूड कहाँ पे जाएगा, वो ट्रेकिया में से लंग में भी जा सकता है। फूड यहाँ पे आएगा, ट्रेकिया में थोड़ा जाने की ट्राई करेगा तो कफ होगा, चला गया थोड़ा सा तो एस्पिरेशन न्यूमोनिया होगा, ठीक है। एंड ये जो पेशेंट खाते हैं वो यहाँ पे जाएगा, GIT में आ गए तो जनरली जा ही नहीं रहा है, यहाँ से ही बाहर निकल जाएगा, तो मैं मोस्टली ये पेशेंट हो गए ना वो माल नरिश्ड हो गए, ठीक है। और ये फूड यहाँ पे कंप्रेशन की वजह से डिसफेजिया होगा, कंप्रेस कर देगा, ये ब्लॉक तो नहीं हो रहा है, कंप्रेस कर देगा, तो पेशेंट को खाने की भी इच्छा नहीं होगी, तो डिसफेजिया की वजह से ये खाएगा भी कम, खाएगा तो अंदर पूरा नहीं जाएगा, तो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो ये पेशेंट जनरली माल नरिश होगा एंड रेयरली कार्सिनोमा भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये हो गए इसके क्लिनिकल फीचर्स। डायग्नोस करने के लिए हम लेटरल व्यू भी करवा सकते हैं, बेरियम स्वोलो का लेटरल व्यू करवा सकते हैं, इसकी मदद से हमें वो जो सेक होगा ना हर्निएशन की वजह से, वो जो सेक है वो कहाँ पे है एंड उसकी साइज़ कितनी है, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट में हमें क्या करना है कि वो जो पाउच बना है ना उसको एक्साइज करके निकाल देना है एंड क्रिकोफेरेंजियल मायोटोमी भी कर सकते हैं। क्रिकोफेरेंजियल मायोटोमी मतलब कि वो जो क्रिकोफेरेंजियस मसल है ना उसका सेक्शनिंग, उसको थोड़ा सा निकाल देना थ्रू सर्वाइकल अप्रोच। ये जो क्रिकोफेरेंजियल मायोटोमी है वो सर्वाइकल अप्रोच के थ्रू हम कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड है डोहरमैंस प्रोसीजर। इसमें क्या करेंगे कि ईसोफेगस एंड वो जो पाउच होगा ना उसके बीच की जो वॉल होगी उसको डिवाइड कर देंगे डायाथर्मी से, उसको रिमूव कर देंगे, पूरा एक सिंगल से एक बना देंगे। उसके बाद है एंडोस्कोपिक लेसर ट्रीटमेंट, वो इसके जैसे ही है बट इसमें जो पार्टीशन है ना इस कंडीशन में, इस ट्रीटमेंट में जो पार्टीशन होगा ना वो हम CO2 लेसर की मदद से करेंगे, ठीक है। ये तीनों है ट्रीटमेंट के अप्रोच। आई होप आपको जेंकस डाइवर्टिकुलम के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम में या मेरे मेल में, मेल आईडी में कहीं भी पूछ सकते हैं एंड अगर कोई सजेशन हो तो भी वहाँ दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।